हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम दो गाजरों से कुछ बनाने वाले हैं। तो हम लोग ने दो गाजर लिए, उसको अच्छी तरह से आप छील लीजिए और फिर उसको ऐसे छोटे छोटे कट कर दीजिए जैसे आप देख ही रहे वीडियो में। फिर हम इसको चॉप किए हुए कैरेट्स को एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। एक बार ग्राइंड करने के बाद हम इसमें आधा कप जितना दूध डालेंगे और इसको वापस से ग्राइंड कर लेंगे। इसकी फाइन पेस्ट करनी है तो हम ये थिक है, हम उसको और एक बार ग्राइंड करें ताकि ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। एक बाउल में वो पेस्ट निकाल दीजिए और फिर आधा कप जितना गेहूं का आटा और एक चौथाई कप हमने सूजी लिया है, थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी पीसी हुई सौंफ डाल देंगे और यहाँ पर लाल और पीला कलर का थोड़ा सा कलर डाल देंगे, फूड कलर, और एक चम्मच जितना पीसी हुई शक्कर डाल देंगे हम यहाँ पर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए बैटर में। एक चम्मच जितना दूध की मलाई होती है वो डाल दीजिए और एक चौथाई कप यहाँ पर हम दूध डालेंगे और ये हैंड मिक्स की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा गाइस, एक साथ मत डालिएगा, और जितना लगेगा उतना ही वो बैटर में डालिएगा। और स्मूथ बैटर इसका हमारा रेडी हो चुका है जैसे आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें कॉटन का कपड़ा डाल देंगे और 30 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे साइड में। और एक बर्तन में हम इसमें चाशनी बनाने वाले हैं, तो आधा कप जितना शक्कर और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे और आधा कप जितना पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। इसको 2 मिनट तक बॉईल कीजिएगा धीमी आंच पर, जब तक कि हमारी जो शक्कर है वो पूरी तरह घुल ना जाए। और हम इसको चाशनी को साइड में रख देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना तेल गर्म होने के लिए रखा है, इसको लो फ्लेम पर रखिएगा। ये 30 मिनट हो चुका है हमारा ये बैटर को, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्मूथ बैटर रेडी है। तो अभी हमारा तेल गर्म हो ही चुका होगा, तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा वही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। और आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और जैसे ये हो जाता हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। आप दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लीजिए मीडियम फ्लेम पे, और जैसे ये हो जाता है एक चम्मच से हेल्प से हम इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे। और फिर हम इसको टिश्यू पेपर में रखेंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन टू। तो हम सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मैं दूसरा भी आपको करके दिखा रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी होगी, सो अभी हम इसमें ये डिप कर देंगे, सोक कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको वैसे ही रखेंगे और ताकि जो चाशनी है वो पूरी तरह से उसमें लग जाए। और फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे, इसको हम पिस्ता के साथ डेकोरेट कर लेंगे और फिर थोड़ा सा जो चाशनी है ऊपर से डाल देंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। लुक एट दिस गाइस, आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अमेजिंग है। जिसको मीठा पसंद है ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।